September 9th. कहते हैं द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज 25 यूनिट्स पर आवर इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉइंग 100 वर्कर्स. हम प्रोडक्ट बनाते हैं एक्स, 100 वर्कर मिलकर काम करते हैं, एक घंटे में 25 यूनिट बनाते हैं. स्टैंडर्ड वेज रेट पर लेबर आर इज ₹6 और हम वर्कर को 6 रुपए पर आर देते हैं. इन अ 42 आवर वीक द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस्ड 1040 यूनिट्स ऑफ एक्स डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम पेड वॉज लॉस्ट ड्यू टू एन एबनॉर्मल रीजन. कहते 5% टाइम वेस्ट हुआ था, उसके बावजूद हम 1040 यूनिट्स बनाने में कामयाब हुए. द आवरली वेज रेट्स एक्चुअली पेड वर 6.26 एंड 5.7 रिस्पेक्टिवली टू 10, 30 एंड 60 ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व, वर्कर्स रिस्पेक्टिवली. कहते हमने एक्चुअली में 3 अलग अलग रेट्स पे किए, कुछ को 6 रुपए की जगह 6 रुपए 20 पैसे, कुछ को 6 रुपए और कुछ को 5 रुपए 70 पैसे दिए. 10 वर्कर 30 वर्कर और 60 वर्कर 3 अलग अलग रेट डिस्चार्ज किए गए. कहते कंप्यूट रेलिवेंट वेरियंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर वर्कर एक टाइप का है या 3 टाइप के हैं? वर्कर एक टाइप का है या 3 टाइप्स के हैं? हाँ जी, नहीं, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था ना, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड, वो 3 टाइप्स थी, मेन वुमेन बॉय ये भी टाइप है. तो यहां पर टाइप ऑफ वर्कर्स कितने हैं? वर्कर कितने टाइप्स के हैं? एक ही टाइप है पक्का? हाँ जी, वर्कर एक टाइप 3 टाइप? एक वर्कर 3 टाइप्स के नहीं हैं. जरा ध्यान से सुनो, हमारा एक वर्कर जो 100 वर्कर हैं वो सारे एक जैसे हैं, उन सबको 6 रुपए पर आर दिया जाता है, लेकिन हमने डिमांड और सप्लाई के हिसाब से किसी को 6 रुपए 20 पैसे दिए, किसी को 6 रुपए दिए, किसी को 5 रुपए 70 पैसे दिए. टाइप चेंज नहीं हो गया. देखो ये पेन मैं यूज करता हूं, मान लो जब मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो मैं फिर इसको पास वाली दुकान से ही खरीद लेता हूं, नहीं वो महंगा देता है, जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है. और जब मुझे लगता है कि अभी तो मेरे पास पेन है तो फिर मैं किसी ऐसी शॉप पर भी जाता हूं जो डिस्काउंट देता है. पेन थोड़ी 3 अलग अलग तरह के मैं ले रहा हूं, पेन एक ही है. इसी तरह से वर्कर, जब मुझे वर्कर की जरूरत पड़ती है तो मैं उसके मुंह मांगे प्राइस उसको देता हूं, क्योंकि मुझे वर्कर की जरूरत है. गर्मियों के अंदर दिल्ली से वर्कर भाग जाता है, क्या सोचकर, गांव में जाऊंगा खेती करूंगा, ठीक है. तो वर्कर चला गया तो डिमांड बढ़ गई, और जब वर्कर वापस आ गया सप्लाई बढ़ गई. पॉइंट समझ आ रहा है? तो वर्कर 3 अलग अलग कैटेगरीज के नहीं है, लेकिन डिमांड सप्लाई की वजह से कभी 6 रुपए 20 पैसे देने पड़ रहे हैं, कभी 6 रुपए देने पड़ रहे हैं, कभी 5 रुपए 70 पैसे में सेट हो जाता है. वो वर्कर काम मांगने आता है तो हम उसको कहते हैं काम नहीं है, वो कहता है भाई साहब प्लीज काम दे दो ना, तो उसको कहते हैं देख 5 रुपए 70 पैसे देंगे, कहता जो मर्जी दो, दो तो सही. और जब वर्कर नहीं होता तो हम वर्कर को फोन करते हैं, भाई साहब काम पे कब आओगे, वो कहता है नहीं वो बिजी हूं, तो हम उसको कहते हैं भाई आ जाना, 6 रुपए की जगह 6 रुपए 20 पैसे ले लियो भाई, आ तो जा. क्योंकि वर्कर
शॉर्ट सप्लाई में बैठा है। समझा मैं पॉइंट? वर्कर अलग अलग कैटेगरीज के नहीं है, वर्कर एक ही तरह का है लेकिन तीन अलग अलग रेट्स, कोई 6 में सेट हो गया, कोई 6 रुपए 20 पैसे ले गया, कोई 5 रुपए 70 पैसे में सेट हो गया। तो इसमें आप उस टेबल को नहीं बनाओगे जो अब तक आप बनाते आ रहे थे, क्योंकि वो कोई फायदा नहीं देगा आपको टेबल इस बार। तो इसीलिए आप डायरेक्टली इसके अंदर L1, L2, L3 और L3 स्टार निकाल दो। L1 स्टार मत निकालना क्योंकि मिक्स नहीं निकलेगा, एक ही टाइप, वही बात, मिक्स वेजिटेबल। क्या बनाया? आलू। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9th आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये रहा। पेज नंबर 13.29। हाँ जी, सबसे पहली L1 की रिक्वायरमेंट जिसका नाम क्या होता था? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आवर्स रिलेटेड टू एक्चुअल आउटपुट दैट इज, हम 100 वर्कर्स को, देखो 100 वर्कर्स को एक घंटे के 6 रुपए के हिसाब से 25 यूनिट्स के देते हैं। 100 वर्कर एक घंटा काम करते हैं तो 25 यूनिट्स बनती हैं, और हम उनको 100 आवर्स के 6 रुपए के हिसाब से 600 रुपए देते हैं। एक वर्कर 100 घंटे काम करे या 100 वर्कर एक घंटा काम करे, बात एक ही है कि नहीं? एक वर्कर 100 घंटे काम करे या 100 वर्कर एक घंटा काम करे, बात एक ही मानी जाएगी कि नहीं? दोनों का आउटपुट तो 100 आवर्स ही बना। तो ये 600 रुपए का बर्डन अगर मेरा 25 यूनिट्स के लिए था तो 1040 यूनिट्स के लिए कितना स्टैंडर्ड कॉस्ट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट? 24,960 L2 एक्चुअल लेबर कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट। हमने 42 घंटे काम करवाया, 42 वर्कर 42 घंटे। अब देखो इसके अंदर ना अलग अलग रेट हैं, 10 के लिए रेट क्या था? 6 रुपए 20 पैसे। 30 के लिए रेट क्या था? 6 रुपए। 60 के लिए रेट क्या था? 5 रुपए 70 पैसे। इन सब को कंप्यूटर जी जोड़कर दिखाओ। टू फोर फाइव टू एट स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल पेबल आवर्स, एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब मैंने फिर से कहा कि वर्कर 3 कैटेगरीज के नहीं है,
वर्कर एक ही कैटेगरी का है और इसका टोटल भी 100 ही बन रहा है। 100 वर्कर 42 घंटे काम करते रहे तो उनको 6 रुपए के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? 25,200 रुपए। हाँ जी, समझ आ रहा है? पक्का? घर जाके भूल मत जाना। L3 स्टार क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला? 5% कैसा टाइम? आइडल टाइम। एबनॉर्मल के नॉर्मल? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल की रिपोर्टिंग होती है, नॉर्मल की कोई क्यों रिपोर्टिंग करेगा? 100 वर्कर 42 घंटे काम करते रहे लेकिन 5% टाइम उन्होंने मेरा वेस्ट कर दिया। इनटू स्टैंडर्ड रेट 6 रुपए। बुरा मत मानना, 25,200 में से ही सीधा 5% माइनस कर दो ना। 25,200 में से सीधा 5% माइनस कर दो या ऐसे कहानी लिख लिख कर माइनस करो, एक ही बात है। कंप्यूटर जी क्या बना? 23,940 इंडियन डॉलर्स। हां जी, समझ आ गया। और अब हमारा काम वेरिएंसेस ढूंढने का। L1 स्टार नहीं निकालना है, फिर भी जबरदस्ती निकालोगे तो वो वही L1 वापस आ जाएगा क्योंकि मिक्स वेरिएंस है। नहीं समझ आया? मैं निकालता हूं, आपकी शंका का समाधान मैं जरूर करूंगा। इधर देखो, बाय द वे, L1 स्टार क्या होता है? इसका नाम क्या था? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स इन स्टैंडर्ड मिक्स। आपको पता है, आप 600 रुपए खर्च करते हो, 600 रुपए खर्च करते हो 100 आवर्स के, पर आवर 6 रुपए हो गया कि नहीं? पर आवर 6 रुपए हो गया। आपने टोटल कितने आवर्स काम करवाया? कितने आवर्स काम करवाया? इसमें से कितना टाइम वेस्ट हो गया? चलो चेक करो, क्या ये वापस 23,940 आ गया या कुछ और आया? आ गया। इससे पता चलता है कि आप L1 स्टार और L3 स्टार को जब आपस में कंपेयर करोगे ना तो वो जीरो आएगा क्योंकि मिक्स तो है ही नहीं, तो निकालने का फायदा क्या? लेकिन फिर भी अगर कोई सेंटी होकर निकालेगा तो अल्टीमेटली जीरो प्रकट होगा। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा यार? मैंने फॉर्मूला ही तो लगाया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, और मैं ये कह रहा हूं कि ये 23,940 बराबर हो गए। ये बराबर हुए क्यों? क्योंकि मिक्स तो है ही नहीं, जब मिक्स नहीं तो वेरिएंस कैसा? हाँ, वर्कर ही एक कैटेगरी का बैठा हुआ है तो मिक्सचर ही नहीं है। नहीं, चलो जी, नाउ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस। सबसे पहला वेरिएंस लेबर कॉस्ट वेरिएंस L1 माइनस L2। L1 है 24,960, L2 है 24,528,
दोनों में कंप्यूटर जी गैप ढूंढो, 432, ये 432 कैसा वेरिएंस है, फेवरेबल। और अगर आप ऐसे ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। लेबर रेट वेरिएंस क्या होता है, L3 माइनस L2। चलो L3 कितना है जी, 25200, 25200 में से 24528 जाएंगे तो रेट वेरिएंस आएंगे। बताओ जी, सिक्स सेवेंटी टू कैसा, फेवरेबल। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, आपको पता है आपके आइडल आवर्स कितने हैं, इनटू स्टैंडर्ड रेट क्या है। आपने अपना 5% समय बर्बाद किया है, 5% ऑफ 4200 आवर्स कितना होता है आजकल, 210, और 210 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 1260 आता है, और ये 1260 एडवर्स है, क्योंकि हमने कसम खाई थी अभी थोड़ी देर पहले कि आइडल टाइम वेरिएंस को हमेशा क्या लिखेंगे, एडवर्स, मर जाएंगे, लेकिन इसको फेवरेबल कभी नहीं लिखेंगे, राइट। तीसरा कौन था, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, फॉर्मूला बताओ ना, L1 माइनस L3 स्टार। L1 24960, L3 स्टार 23940, 1020 रुपए। क्या हाँ जी, 23940 और 24960 के बीच में फेवरेबल डिफरेंस 1020 रुपए। चेक करो क्या ये तीनों का रिजल्ट 432 रुपए फेवरेबल आ रहा है। आ गया, और हमने अभी पढ़ा कि मिक्स वेरिएंस तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब यही एफिशिएंसी वेरिएंस है और यही यील्ड वेरिएंस भी है, राइट। तो मैं अगर लेबर मिक्स वेरिएंस निकालूं तो मैं फॉर्मूला क्या लगाता, वैसे बाय द वे, L1 स्टार माइनस 23940 में से 23940 माइनस करेंगे, माय गॉड, नील आएगा। और अपने रेफरेंस के लिए लिखो, बिकॉज ऑफ सिंगल कैटेगरी, सिंगल टाइप ऑफ वर्कर्स इन्वॉल्व, वर्कर हैं ही नहीं दो कैटेगरीज के, तो मिक्स वेरिएंस कहां से आएगा। जब आप लोग हल्दीराम की नमकीन वगैरह लेने जाते हो तो वहां पे एक कैटेगरी होती है दाल, होती है, दूसरी कौन सी होती है, आलू भुजिया, क्या बात है, तीसरी जो खट्टी मिट्टी वर्ड आपने यूज किया उसके अंदर एक ही होती है या उसमें बड़ी सारी चीजें डाल देता है, वो मिक्सचर होता है ना। अब आप जब आलू भुजिया लेते हो तो उसके अंदर सिर्फ आलू भुजिया ही होती है, वो ये नहीं कह सकता इसी को मिक्सचर समझ के खा ले, और अगर मिक्सचर बनाना हो तो इसके अंदर घर जाके आलू टमाटर डाल लियो, नो, समझ आ गया मेरा पॉइंट। तो इसीलिए वहां पर गुमराह नहीं होना है कि अहम से मांगे मिक्सचर और वो पकड़ा दे दो भाई साहब आलू भुजिया और घर जाके इसको मिक्सचर अपने आप बना लो। तो इसीलिए लेबर मिक्स वेरिएंस हमारा जीरो हो गया,
लेकिन लेबर यील्ड वेरिएंस तो आएगा। तो अगर आप इसका नामकरण करना चाहें तो देखो ये मेरा सेकंड वेरिएंस है, ये मेरा थर्ड वेरिएंस है, ये मेरा फोर्थ वेरिएंस है, ये मेरा फिफ्थ वेरिएंस है और सिक्स्थ वेरिएंस आने को तैयार आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेबर यील्ड वेरिएंस फॉर्मूला बताओ, एल वन माइनस एल वन स्टार 24,960 माइनस 23,940। किसी को बताना मत, ये 1020 रुपए ही आ रहा है। और यही था कौन, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। हाँ जी, एनी डाउट? नेक्स्ट क्लास में आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स के रजिस्टर चेक होंगे, वो लकी विनर्स कौन होंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन चेक जरूर करूंगा और उस दिन उस बच्चे को रिस्पेक्टफुली क्लास से बाहर निकाला जाएगा, बुके देकर, बढ़िया सा बुके बनाकर बनवाकर लाऊंगा, ठीक है? क्योंकि तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स की शक्लें ऐसी लग रही हैं कि वो बेचारे होमवर्क करने में विश्वास नहीं रखते, ठीक है ना? मतलब अंदर से जैसे आवाज आती है ना, कि वो आवाज नहीं आ रही उनकी। कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं कि सर मेरा नंबर तो पक्का आएगा, मुझे पता है। चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, होमवर्क करके आना बस। हां जी, अब हम इसके बाद एक और क्वेश्चन का आगाज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, लेकिन इसकी शरारत देखो क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। कहता है स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट एंड द एक्चुअल लेबर कॉम्प्लीमेंट एंगेज्ड ड्यूरिंग द मंथ आर गिवन बिलो। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तीन कैटेगरीज, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ ग्रुप, स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ ग्रुप। 30, 10 और 10 वर्कर्स हमारे पास इस गैंग में होते हैं। कई बार ना क्वेश्चन हमसे बोलेगा लेबर गैंग वेरियंस निकालो, ये गैंग जो वर्ड है वो मिक्स के लिए है, ठीक है? लेबर गैंग वेरिएंस यानी मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का घर का नाम क्या है? गैंग। लिख लेना, लिख लो लेबर मिक्स वेरिएंस के साथ लिख लो लेबर गैंग वेरिएंस, कहीं बाद में जाकर आपको लगे सर ने ना गैंग वेरिएंस तो सिखाया ही नहीं था। नहीं, क्योंकि अगर पेपर में गैंग वेरियंस आ गया और मैंने नहीं बताया हुआ तो सबसे पहले आप मुझे याद करोगे और बड़े गलत तरीके से याद करोगे, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि आप उस गलत तरीके से मुझे याद करो। हां जी, स्टैंडर्ड वेज रेट 5 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए। एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द मंथ 24, 15 एंड 12। एक्चुअल वेज रेट 6 रुपए, 2.5 रुपए, 2 रुपए। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 200 वर्किंग आवर्स द ग्रुप प्रोड्यूस्ड 9600 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क। अंडरलाइन 9600 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क। बड़ी अजीब बात है, अभी तक वो मुझे ना आउटपुट देता था तो यूनिट्स में देता था, आवर्स में आउटपुट। कभी सुना मैंने 50 आवर्स बनाए हैं? ओ भाई, तुझे काम क्या दिया था है? मैंने 50 आवर्स बनाए, मतलब बनाया क्या है उसके अंदर, समझ आया? तो इसीलिए ना यहां पर ये स्पेशल वर्ड यूज कर रहा है, कहता है 9600 स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क, मतलब मैंने उतना काम किया है जितना 9600 आवर्स में होना चाहिए था। बाय द वे, आपने आवर्स कितने लगाए हैं चेक करो जरा, 200 घंटे, 24 वर्कर, 15 वर्कर और 12 वर्कर काम करते रहे, करना जरा टोटल क्या होता है। टेन थाउजेंड टू हंड्रेड आवर्स काम करके आपने 9600 आवर्स की प्रोडक्शन जनरेट की,
मतलब जो काम आपको 9600 आवर्स में करना चाहिए था आपने वो काम 10200 आवर्स में किया है. बट द प्रॉब्लम इज मेरा जब L1 निकालने का दिल करता है तो मैंने फॉर्मूला बार बार क्या सीखा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट. और मैं तो बार बार आउटपुट के अंदर यूनिट्स लिखता रहा, कभी मैंने वहां पर आर्स लिखा? आर्स तो इनपुट है. आर्स कौन है? इनपुट. तो यहां पर हम स्मार्ट बनकर क्या करें, लेट द स्टैंडर्ड आउटपुट पर आर बी 1, 5, 10, 20, योर डेट ऑफ बर्थ, वट एवर मे बी टेकन. समझ आया? और इससे क्या होगा, वो जो आउटपुट मुझे इसने आर्स में दी है ना, वो मैं यूनिट्स में कन्वर्ट कर पाऊंगा. समझ आया?